नासिक महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र में एक प्राचीन पवित्र शहर गोदावरी नदी के तट पर विकसित हुआ। नासिक कुंभ मेले के लिए एक श्रद्धालु हिंदू तीर्थ स्थल है जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। नासिक धार्मिक स्थलों जैसे त्र्यंबकेश्वर, सोमेश्वर मंदिर, बालाजी मंदिर और मुक्तिधाम मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, जो बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। जनसंख्या के लिहाज से महाराष्ट्र का पांचवा सबसे बड़ा शहर नासिक है और 2021 में 20.5 लाख की आबादी और 2036 में 33 लाख से अधिक होने का अनुमान है। बागवानी, कृषि और वाइनरी के केंद्र के रूप में समृद्ध, यह एक औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र और प्रमुख पर्यटन स्थल के लिए एक जगह है जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसे शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी चुनौती के चरण 2 में एक स्मार्ट शहर के रूप में भी चुना गया था। नासिक शहर के प्रमुख शहरी गलियारे से गंभीर भीड़ और प्रदूषण की आशंका है। इसलिए महामेट्रो सुविधाजनक, सुरक्षित, टिकाऊ, विश्वसनीय और एक लागत प्रभावी जनवरी रैपिड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रदान करके नासिक में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में लाने की योजना बना रहा है। नासिक नगर निगम द्वारा अनुमोदित 2017 के व्यापक यातायात और परिवहन अध्ययन के आधार पर भविष्य के वर्षों के लिए दो गलियारों की पहचान नासिक मास ट्रांजिट मार्गों के रूप में की गई है। महामेट्रो का लक्ष्य नासिक में इन दो गलियारों में प्रस्तावित द्रुत द्रव्यमान तीव्र पारगमन प्रणाली को संचालित करना है। मार्ग 1 गंगापुर और नासिक रोड रेलवे स्टेशन के बीच 22 किलोमीटर लंबा गलियारा। इस कॉरिडोर में 2023 में 19 स्टेशन और 6000 प्रति घंटे पीक दिशा यातायात की अनुमानित सवारियां होंगी। मार्ग 2 गंगापुर और मुंबई नाका के बीच 10 किलोमीटर लंबा गलियारा। इस कॉरिडोर में 2023 में 10 स्टेशन और 2800 पर आवर पीक दिशा यातायात की अनुमानित सवारियां होंगी। कॉरिडोर के अलावा दो फीडर रूट बसें भी हैं जो शहर के विभिन्न हिस्सों को कॉरिडोर से जोड़ते हुए संचालित की जाएंगी। मुंबई नाका से सतपुर कॉलोनी तक एक 12 किलोमीटर का इलाका गरवारे से और दूसरा 16 किलोमीटर नासिक रोड रेलवे स्टेशन से शिवाजी नगर होते हुए नंदूर नाका तक। कॉरिडोर के साथ 3 तरह के स्टेशन होंगे। टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसों के लिए यूटर्न के प्रावधान के साथ लंबाई में 60 मीटर और चौड़ाई में 11 मीटर मापने वाला टर्मिनल स्टेशन होगा। दो स्टेशन 30 मीटर लंबे और 12.5 मीटर चौड़े होंगे जो दोनों तरफ सीढ़ी और लिफ्ट के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। भविष्य में एस्केलेटर प्रदान करने के लिए स्थान भी प्रदान किया गया है। टाइप 3 स्टेशन 30 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ा होगा। हर तीसरा स्टेशन इस प्रकार का होगा और इसमें इलेक्ट्रिक बसों के लिए सहायक लेन की व्यवस्था के साथ सीढ़ियां, एस्केलेटर और लिफ्ट होंगे। मार्ग इंटरचेंज के लिए दोनों मार्गों पर CBS एक सामान्य स्टेशन होगा। यह यात्रियों के लिए एक स्काई वॉक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा होगा। इसे सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर लिफ्ट और एस्केलेटर प्रदान किए गए हैं। एक बुद्धिमान पारगमन प्रबंधन प्रणाली द्वारा संचालित स्तर बोर्डिंग, आरामदायक सीटें, स्वचालित दरवाजे, स्टेशन और बस आगमन की जानकारी नासिक शहर के साथी यात्रियों के लिए प्रभावी और आरामदायक सेवा सुनिश्चित करेगी। अगर इलेक्ट्रिक कोच ऑपरेशन के लिए राइडरशिप थ्रेशोल्ड को पार कर जाता है और शहर में एक उच्च क्षमता वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है तो भविष्य में प्रस्तावित इलेक्ट्रिक कोच ऑपरेशन को लाइट रेल ट्रांजिट या अर्बन ट्राम ऑपरेशन में तब्दील किया जा सकता है।
दोनों मार्ग एमआरटी फीडर रूट की बसों के प्रभावी समय निर्धारण और रखरखाव को सक्षम करने के लिए प्रत्येक मार्ग के अंत में जमा होंगे। ये नई पीढ़ी के फीडर रूट की बसें एलिवेटेड कॉरिडोर पर काम करते समय ओवरहेड ट्रैक्शन का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी और सड़क पर संचालन करते समय बैटरी पावर पर चलेंगी।